Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. You have attempted the costing and financial management paper yesterday on 7th of the May. Today on 8th of the May, we are going to discuss about the financial management topic from that paper. Costing part I will discuss nahi karunga because I don't teach costing, I only teach financial management. So that's why I'm going to discuss about that paper only. पूरे पेपर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन जो आपका कवर होता है वो है रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर से, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग और टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग. सो लेट्स सी कितना कितना परसेंटेज किस किस चैप्टर में से पूछा गया, उसके बाद में हम सजेस्टेड आंसर के बारे में भी बात करेंगे. अगर आप ध्यान दोगे आपकी स्क्रीन पे चैप्टर वाइज एनालिसिस हमने किया हुआ है, उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स यानी रेशियो एनालिसिस, नीचे में आप देखोगे तो कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी सिर्फ आप इतना ही पोर्शन अगर पकड़ो तो तकरीबन 50% ऑफ द पेपर सिर्फ इन तीन चैप्टर से ही पूछा गया यहाँ है. अगर आप आगे देखोगे देन वी हैव प्रैक्टिकल एंड थेरी पार्ट, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने आए और थेरी क्वेश्चंस कितने आए. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंसिडरिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट आप देख सकते हो कि आपको 43% पेपर सिर्फ थेरी क्वेश्चंस आए थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एंड देन रेस्ट ऑफ द 57% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे थे. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग टू सजेस्ट एनी वन when you are in CA final and you are going to suggest anyone, please don't suggest कि सिर्फ practical करके जाना है, practical करके जाना, theory आप छोड़ सकते हो. यार 60 marks में से 26 marks की theory पूछी गई है इस बार में. So this is very important कि आप theory भी पढ़ के जाएँ. हाँ, maximum paper आपका practice manual और study material से ही पूछा गया, बहुत सारे question direct उठा के डाले गए थे, सिर्फ figures change हुई है उसमें. So it is very easy for those who have completed the practice manual and study material of the institute. So please don't underestimate the value of institute's study material. Let's discuss the suggested answer of this paper. मैं सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ. अगर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन था आपको टाइप्स ऑफ लिवरेजेस वाला, जिसमें आपको निकालना था कि ऑपरेटिंग लिवरेज कितना और कंबाइंड लिवरेज कितना. तो हमने ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज निकाला है उस क्वेश्चन में, टेबल आप देख सकते हैं. उसके बाद आपका क्वेश्चन था ऑप्टिमम कैश बैलेंस वाला. ऑप्टिमम कैश बैलेंस का वही फार्मूला, अंडर रूट ऑफ 2 × a × t × a × t डिवाइडेड बाय h यानी कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या यील्ड कितना है, न्यूमरेटर में a यानी कि एनुअल ट्रांसफ़र कितना और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र कितना, दैट इज़ t. अगर आप इस फिगर में रखते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए था 23717, यानी 23717 शुड बी द ऑप्टिमम कैश बैलेंस फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1D. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस डिटेल में हर एक क्वेश्चन को, बिकॉज व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सेव योर टाइम. आप वेबसाइट पे जाइए, conferenza.in वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड्स वाले सेक्शन में आपको ये वाली फाइल मिलेगी. यू कैन डाउनलोड दैट फाइल एंड यू कैन डिस्कस, सॉरी यू कैन एनालाइज दैट ऑन योर ओन, एट योर ओन टाइम. सो मैं बस ऊपर से डिस्कस कर लेता हूँ एक बार ये पूरा पेपर. क्वेश्चन नंबर 2B था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला. मेरा फाइनल आंसर आया 23,57,500. वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वाला मेरा फाइनल आंसर आया 23,57,500. इसके अंदर में सारी डिटेल आपको दी हुई है, आप एक बार खुद चेक करना, देख लेना कि आंसर सही है या गलत है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3B था मार्केट वैल्यू का. यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन सॉरी आंसर गलत होने का चांसेस लग रहा है मेरे को, क्योंकि सेकंड वाला जो पार्ट था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इतना इजी नहीं है सॉल्व करने के लिए. सो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और अगर आपने इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देखे हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी जाएगा, बिकॉज इट इज़ डिक्टो सेम पास्ट एग्जाम में. अगर आप कंपाइलर डाउनलोड करोगे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आई विल सजेस्ट यू गो टू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, गो टू दी IPCC कॉस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा, फाइनेंसिंग डिसीजन कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो चैप्टर है उसके अंदर में आपको ये मिलेगा. कंपाइलेशन में जाना, कंपाइलेशन में वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा गया था. तो उसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो वैल्यू ऑफ द कंपनी पूछा था पहले, तो जो अनलिवर्ड कंपनी है 17,50,000 उसकी वैल्यू आती है, और जो लिवर्ड कंपनी है उसकी 23,50,000 वैल्यू आती है. ठीक है, अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पुरानी कंपनी जो थी 20% उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी था, उसका भी WCC उतना ही होगा. नई कंपनी का WCC 15% आ रहा है, उसका कैलकुलेशन आपको नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है.
अब अगर मैं नीचे देखूँ क्वेश्चन नंबर 4B, 4B में आपको रेशियो एनालिसिस वाला था, इसमें भी गलती होने के काफ़ी सारे चांसेस है। बाकी सारी फिगर्स ठीक है, लेकिन अगर आप क्रेडिटर वाली फिगर एक बार चेक करो तो 201667 ये आंसर आ रहा है उसका। एक बार आप चेक ज़रूर करना आपके कैलकुलेशन। इसमें मैंने यहाँ पे फॉर्मूलेज एंड ऑल दैट नहीं लिखे, मैंने टेबल वाले फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया ताकि ईजी जाए मेरे लिए भी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थेरी वाला पार्ट था कि फंड फ्लो और कैश फ्लो में डिफरेंस क्या है, उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने सॉल्व किया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो कैपिटल बजटिंग वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको 3 से 4 पार्ट पूछे गए। सबसे पहला पार्ट था पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के लिए हमने ऊपर में वर्किंग की हुई है, 5.625 ईयर्स उसका आंसर आ रहा है। उसके बाद में सेकंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने एक क्वेश्चन में कैपिटल बजटिंग के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पूछ लिए। आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है बाकी, बल्कि पूरा ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ के गए या दो कॉन्सेप्ट छोड़ के गए, क्योंकि नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। आगे थेरी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7C था फैक्टरिंग का, और 7D था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड लास्ट वाला क्वेश्चन है 7E अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में बताने के लिए। ये भी हमने इसमें सॉल्व कर लिया। आई विल सजेस्ट रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि आप यू गो टू द वेबसाइट conferenza.in/downloads, उसमें आपको ये वाली फाइल वहाँ पे अपलोडेड मिलेगी, IPCC FM May 2017 सजेस्टेड आंसर। डाउनलोड इट एंड चेक इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेल मी @mayank.kothari@live.com। बाय बाय।